वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे एक चीज़ बता देता हूं कि अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और यहां पे आप नोट्स के खोज में आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स देके रखा है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगना है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एंटी हेलमेंटिक्स के बारे में। पहले आप ये समझिए हेलमिंथ्स क्या होते हैं। आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा, भाई साहब क्या कीड़ी काट रहा है तुमको, बेमतलब का बात कर रहे हो। ऐसा लोग कहते हैं कि मतलब क्या कीड़ी काट रहा है। जो कीड़ी की बात होती है ना, असल मायने में इसी कीड़ी को नाम दिया जाता है हेलमिंथ। हम लोगों के फार्मेसी में या कह लीजिए MBBS या जो मेडिकल फील्ड में ऐसा कह लीजिए कि इसको नाम दिया जाता है हेलमिंथ। तो हेलमिंथ असल मायने में पैरासाइटिक वॉर्म होते हैं। पैरासाइटिक वॉर्म्स का मतलब है जो आपके पेट में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, पेट में भी ना कहा जाए, इंटेस्टाइन में कहा जाए, ये कीड़े होते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं कई केसेस में। तो इनको मारने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जिनको नाम रखते हैं एंटी हेलमेंटिक्स, ठीक है। इसी को एंट हेलमेंटिक्स भी कहते हैं हम लोग। ये क्या करती हैं दवाएं, ये पहले उस पैरासाइट को सुन्न कर देंगी और उसके बाद में उसको मार डालेंगे और मारने के बाद में उसको हमारे स्टूल के थ्रू उसको पास करा देते हैं, मतलब उनको बाहर शरीर से निकलवा देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है हेलमिंथ, इनको समझिएगा। अभी तक मैं जो बात कर रहा था हेलमिंथ के बारे में वो थोड़ा सा मैं नॉन टेक्निकल वे में बात कर रहा था। टेक्निकल शब्दों में अगर कहा जाए तो ये आदमी का जो शरीर होता है उसको आदमी को कहते हैं होस्ट, ठीक है, आप ध्यान समझिएगा, आदमी को कहते हैं होस्ट। और उसी होस्ट से ये पैरासाइटिक वॉर्म अपना खाना पाते हैं, अपना पानी पाते हैं और अपने आपका बचाव करते हैं। बचाव कैसे करते हैं, अब मान लो शरीर के अंदर है तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप फिनाइल पी लेंगे या हार्पिक से दांत साफ कर देंगे। होगा तो यही ना कि बस आप ज्यादा ज्यादा अपना टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे, दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ही उनको मारेंगे। अगर ये शरीर से बाहर हैं तो इनके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कैसे होते हैं वो भी आप समझिएगा। आप लोग क्या होता है डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल कर देते हैं, सैनिटाइजर, एक सबसे कॉमन सा चीज है इस समय सैनिटाइजर, सैनिटाइजर के इस्तेमाल से आप इनको मार देते हैं। तो इसी वजह से मैंने बोला कि होस्ट के शरीर से न्यूट्रिएंट पाते हैं, नरिशमेंट पाते हैं और साथ ही साथ अपना प्रोटेक्शन भी कर ले जाते हैं। और बदले में ये होस्ट को क्या दे रहे हैं, अब इसके बारे में बात कर लेना, ठीक है। बदले में ये होस्ट को देते हैं पतलापन, आदमी पतला हो जाता है, सुकुड़ा सरह जाता है। दूसरा, आदमी को ये पूरी तरह से बीमार बना देते हैं। तीसरा, आदमी के इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग स्टार्ट करवा देते हैं। चौथा, आदमी के शरीर में ये खाने को सही से न्यूट्रिएंट को कहा जाए, खाना ना कहें, न्यूट्रिएंट को सही से पचने नहीं देते। और ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, खाना या न्यूट्रिएंट अगर आपके बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो तो अगर आप ये सोच लीजिए कि आप 16 का डोला बना लीजिए तो ये ऐसा चांसेस ही नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से हमको इस इन्फेक्शन को सही करना बहुत जरूरी पड़ जाता है। और एक बात का मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, अगर आपके घर में कुत्ता है, ठीक है, अगर आप लोगों ने कुत्ता पाल के रखा है तो एक चीज जानिएगा, उसके स्टूल के थ्रू निकलते हैं टैपवॉर्म जो होते हैं वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक के लंबे हो सकते हैं, या किसी केस में तो ऐसा भी होता है कि वो 2-2 सेंटीमीटर तक लंबे भी हो सकते हैं। और ये क्या होता है, इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा उसके स्टूल में कुछ कीड़े जैसा कुछ है, और वो कीड़े काफ़ी समय तक इधर उधर जिंदा रह सकते हैं। और अगर आपके बॉडी में किसी तरह वो एंट्री पा जाएंगे तो बात मानिए आपको वो बहुत ज़्यादा बीमार कर देंगे। चलिए अभी मैं बात करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हेलमेंटिक्स की, मतलब कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो इन पैरासाइट्स को मार देती हैं हमारे शरीर में बिना हमें नुकसान पहुंचाए हुए। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन है जिसमें कई ढेर सारी दवाएं हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इस वीडियो में केवल मैं आपको क्लासिफिकेशन का एक फ्लोचार्ट दे दिया है मैंने और आपको डेफिनेशन समझा दिया है मैंने, ठीक है। वीडियो को इंटरप्ट करते हुए बीच में ही मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि ये वीडियो कई पार्ट में हो सकता है, मतलब 3 पार्ट 4 पार्ट या 5 पार्ट में भी हो सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग मॉलिक्यूल्स, कितने ज़्यादा दवाओं के मॉलिक्यूल हैं उनके हिसाब से ये वीडियो और भी ज़्यादा हो सकता है। तो आप मेरे ऊपर एक एहसान कर देना कि अगर पूरा ये वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक कर लेना सारी दवाओं का, हर एक दवाओं का कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक एक दिन में ही वीडियो डालूंगा, मगर डालूंगा जरूर, आप उसको जरूर चेक कर लेना, ठीक है। चलिए अभी आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर आपके घर में महिलाएं हैं जो लंबा लंबा नाखून रखती हैं तो मेरा एक सजेशन ले लीजिएगा। मैं किसी का घर नहीं फोड़ रहा हूं, मैं बस बात बता रहा हूं कि वो लंबे नाखून जो होते हैं कई बार चांसेस बन जाते हैं ऐसे पैरासाइट को हमारे शरीर में एंट्री कराने के लिए। अब कैसे, मान लीजिए उन्होंने आटा गूंदा तो वो आखिर हाथ तो वही रहेगा ना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ एग्स होते हैं, ऐसे इन्फेक्टिव पैरासाइट्स जो होते हैं उनके एग्स होते हैं, हमारे नाखूनों में होते हैं या हमारे हाथ पे भी हो सकते हैं। तो ये
इन्हीं एग्स के माध्यम से हमारे शरीर में एंट्री पाते हैं। और इसके अतिरिक्त भी कई तरीके हैं जिसके माध्यम से टैपवॉर्म या फिर कोई भी हुकवॉर्म या ऐसा कह लीजिए कोई पैरासाइट हमारे शरीर में एंट्री पा जाता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि हमारे स्किन पे बैठेंगे और आराम से हमारे बॉडी के अंदर वो चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कई तरीके से हमारे शरीर में एंट्री कर सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ को पर्टिकुलर नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसको एग्जाम में बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब देखिएगा, मैंने तो महिलाओं के बारे में बता ही दिया, आदमियों का क्या सीन है कि कुछ लोग ऐसा होते हैं बैठे रहते हैं तो नाखून को अपने दांत से काटने लगते हैं, काटना शुरू कर देते हैं। तो भाई आप जो ये सब चीज़ अनहाइजीनिक है, तो एक और बात हो गया कि अगर आप हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो भी ये पैरासाइट्स आपके शरीर में जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप नाखून काट ही रहे हैं तो ये अंडे के माध्यम से आपके शरीर में जाएगा। दूसरी बात ये समझिएगा कि अगर आप नाखून को काट रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपके शरीर में ये अंडे जा सकते हैं, चांसेस है कि अंडे इसके जा सकते हैं और आपके शरीर में पैरासाइट्स डेवलप होंगे। चौथी बात अब आप समझिएगा, कुछ लोग ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जब जाते हैं घूमने के लिए तो वहीं से ये गिफ्ट लेके चले आते हैं। अब ये समझिएगा कि ट्रॉपिकल रीजन में अपना इंडिया भी आता है, और हकीकत तो यही है कि अपने इंडिया में भी बहुत ज्यादा इससे लोग परेशान होते हैं इस इन्फेक्शन से, ठीक है। कुछ लोगों में तो ऐसा भी देखने को मिला है कि पैरासाइट्स आपके दिमाग तक चले जाते हैं, आपके आंखों में आ जाते हैं, आपके आंख के पुतली में भी वो एंटर कर जाते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे पैरासाइटिक वॉर्म को सही करने के लिए हमारे साइंस के द्वारा हमें गिफ्ट मिला है दवा, और उस दवा को, दवा की जो कैटेगरी है उसको नाम दिया जाता है एंटीहेलमिंटिक्स या एंटीहेलमिंटिक्स। तो अब हम लोग बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की कि सर अगर मान लीजिए हमको पैरासाइटिक वॉर्म हमारे शरीर में एंट्री कर गया है तो हमें पता कैसे चलेगा। आपको पता कुछ ऐसे चलेगा, आपको डायरिया स्टार्ट होने लगेगा, एनल में ईचिंग होना आपके शुरू हो सकता है, और आपके कान में भी खुजली होना शुरू हो सकता है, और एनीमिया भी देखने को मिल सकता है। और कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि आदमी को उनके एनल रीजन में, उनके एनस में कुछ ना कुछ ऐसा लगता है, प्रेजेंस, किसी एक पैरासाइट का प्रेजेंस, कुछ मूवमेंट उनको पता चलता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो होता है इसको कह सकते हैं कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ है। एक बहुत मजे की बात बता दूं, इसी एंटी हेलमेंटिक्स में आता है आइवरमेक्टिन, जिसका अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mg का। उसके वो असल मायने में क्या कर रहा है ना कि वो हमारे जो इस समय करंट में जो वायरस चल रहा है, नाम इस वजह से नहीं लूंगा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकता है या एज रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, इस वजह से नाम नहीं ले रहा हूं। तो उस वायरस के रेप्लीकेशन को वो रोक दे रहा है, उसको रेप्लीकेट होने नहीं दे रहा। तो जाहिर सी बात है, एक चीज आप लोगों को बहुत बकायदे से मालूम होगा कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत ही खतरनाक चीज है, बसरते उसको बस समय मिल जाए। तो यहाँ पे हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को समय मिल जा रहा है, और वायरस का रेप्लिकेशन होते जा रहा था, पहले 5, 10, 15, 20, 1000, 1500 वायरस रेप्लिकेट होके बनते जा रहे थे, तो अब वो पहले 500 हो रहे हैं, तब तक हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो 250 को मारने की कोशिश कर ले रहा है। तो ऐसे ही हम रेप्लिकेशन को रोक दे रहे हैं आइवरमेक्टिन के हिसाब किताब से। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अल्बेंडाजोल के बारे में, जिसको बहुत ही ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में, स्कूलों में बांटा जाता है ताकि ऐसे पैरासाइटिक इन्फेक्शन हमारे बॉडी में ना हो पाएं, हम माल न्यूट्रिशन ना रह जाएं और हमें एनीमिया ना हो जाए। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो बात मानिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।